हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम एक पुरानी श्रृंखला को जोड़ने जा रहे हैं। इससे पहले के मेरे लेक्चर्स में हमने मानव शरीर के डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस को समझा। उनमें हमने देखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स में वेरियस डाइजेस्टिव जूसेस फूड के डाइजेशन में क्या रोल प्ले करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी किचन में थोड़ा बहुत काम करते होंगे, कुछ नहीं तो कम से कम चाय तो बनाते ही होंगे। वहाँ आपने पाया होगा कि गैस बर्नर की गति व भूमिका बेसिकली उसके रेगुलेटर पर डिपेंड करती है। ठीक वैसे ही इन डाइजेस्टिव जूसेस का रेगुलेशन भी कुछ हॉर्मोन्स द्वारा नियंत्रित होता है। आज हम उन हॉर्मोन्स की बात करेंगे। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हॉर्मोन्स एक ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स होते हैं जो स्टमक, पेनक्रियास और स्मॉल इंटेस्टाइन के एंडोक्राइन सेल्स द्वारा सिक्रीट होते हैं और यह डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के विभिन्न कार्यों को कंट्रोल करते हैं। यह एंटरोएंडोक्राइन सेल्स ग्लैंड्स फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि यह पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्प्रेड हुए हुए होते हैं। यह ऑटोक्रीन और पैराक्रीन एक्शन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। देयर आर मैनी सच हॉर्मोन्स दैट कंट्रोल द डाइजेस्टिव जूसेस। द फर्स्ट जूस दैट वी विल स्टडी इज गैस्ट्रिन। हार्मोन गैस्ट्रिन जो है, इट इज़ सिक्रीटेड बाय गैस्ट्रिन सेल्स जो कि स्टमक के पायरोलिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। यह क्या करते हैं, दे स्टिम्युलेट द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स टू सिक्रीट एंड रिलीज द गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन और रिलीज में ये हेल्प करते हैं। इट ऑल्सो स्टिम्युलेट्स द गैस्ट्रिक मोबिलिटी। सेकेंड एंटेरोगेस्टेरोन हार्मोन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है एंटेरोगेस्टेरोन। एंटेरोगेस्टेरोन का दूसरा नाम है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी नाम से हम समझ सकते हैं कि किसी न किसी चीज़ को इनहिबिट करेगा। तो इट इज़ सिक्रीटेड बाय द ड्यूओडेनल एपिथीलियम। ड्यूओडेनम में जो एपिथीलियम है वो ये हार्मोन सिक्रीट करते हैं। यह हार्मोन इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन और मोटिलिटी को। इट स्लोस डाउन द गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज द गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। क्योंकि ये गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन को स्लो करता है, इसलिए इसका नाम गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड रखा गया है। थर्ड हार्मोन जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन वो हार्मोन है जो सबसे पहले साइंटिस्ट्स ने डिस्कवर किया था। इट इज़ सिक्रीटेड बाय द एपिथीलियम ऑफ ड्यूओडेनम। यह भी ड्यूओडेनम के ही एपिथीलियम इसको सिक्रीट करता है। इट रिलीजेस बाइकार्बोनेट्स इन द पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस जो पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं उसमें यह हार्मोन सिक्रेटिन बाइकार्बोनेट्स जो है वो रिलीज करता है। इट इंक्रीजेज द सिक्रीशन ऑफ बाइल। बाइल के सिक्रीशन को ये इंक्रीज करता है। बट इट डिक्रीजेज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड मोटिलिटी। फोर्थ हार्मोन जो है वो है कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन, जिसको हम शॉर्ट में CCKPZ कहते हैं। कॉलीसिस्टोकाइनिन वर्ड जो है वो तीन शब्दों से मिलकर बना है, कॉल सिस्ट एंड काइनिन। कॉल मीन्स बाइल, ठीक है, सिस्ट मीनिंग ब्लैडर एंड काइनिन का मतलब क्या है, टू रिमूव, यानी कि बाइल कॉली सिस्टो काइनिन, बाइल ब्लैडर टू रिमूव। ब्लैडर से जो बाइल को रिमूव कर रहा है दैट इज कॉली सिस्टो काइनिन। वर्ड पेनक्रियोजाइमिन जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है, पेनक्रियास एंड जाइमिन, विच मीन्स एंजाइम प्रोड्यूसर। तो
पेनक्रियाज जो एंजाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज उससे नाम बनता है पेनक्रियोजाइमिन. टुगेदर दे आर नोन एज कॉलीसिस्टोकाइनिन पेनक्रियोजाइमिन. दिस हॉर्मोन इज सिक्रीटेड बाय द एपिथीलियम ऑफ द एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका एपिथीलियम जो है वो ये हॉर्मोन सिक्रीट करता है. इसका फंक्शन क्या है? दिस स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर टू रिलीज द बाइल. गॉल ब्लैडर में जो बाइल स्टोर्ड है, लिवर जो बाइल सिक्रीट करता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है. इस स्टोर्ड गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड बाइल है उसको वो रिलीज करने के लिए स्टिम्युलेशन देता है जब फूड जो है इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है. और क्या फंक्शन है इसका? इट स्टिम्युलेट्स द पेनक्रियास टू सिक्रीट एंड रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन द पेनक्रियाटिक जूस. पेनक्रियास से जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है उसमें ये स्टिम्युलेट करता है कि उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो सिक्रीट हो जाए. अनदर हॉर्मोन इज ड्यूक्रिमिन. ड्यूक्रिमिन जो है इट इज सिक्रीटेड अगेन बाय द ड्यूओडेनल एपिथीलियम और ये ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है टू रिलीज म्यूकस एंड एंजाइम्स इनटू द इंटेस्टाइनल जूस. इंटेस्टाइनल जूस हमने पढ़ा था, इसका नाम हमने पढ़ा था जब हमने डाइजेशन इन इंटेस्टाइन पढ़ा था कि इंटेस्टाइनल जूस इज आल्सो नोन एज सुकस एंट्रिकस. तो सुकस एंट्रिकस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और डाइजेशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट भी होता है. तो इस इंटेस्टाइनल जूस में म्यूकस और एंजाइम्स को ऐड होने के लिए वो ब्रूनर्स ग्लैंड को स्टिम्युलेट करता है. देन अनदर हार्मोन इज एंटरोक्राइनिन. एंटरोक्राइनिन भी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की एपिथीलियम ही सिक्रीट करते हैं. दिस स्टिम्युलेट्स द क्रेब्स ऑफ लेबकन टू रिलीज एंजाइम्स इनटू द इंटेस्टाइनल जूस. तो इसमें भी इंटेस्टाइनल जूस में एंजाइम्स जो है वो रिलीज होते हैं. देन द अनदर हॉर्मोन इज वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP. दिस इज सिक्रीटेड बाय द एपिथीलियम ऑफ एंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन. हम यह देख रहे हैं कि जितने भी हॉर्मोन्स हो रहे हैं उन वो सारे के सारे ड्यूओडेनल एपिथीलियम से ही सिक्रीट हो रहे हैं. VIP हॉर्मोन जो है इट डायलेट्स द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स ऑफ द गट और ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को. देन कम्स विलिकाइनिन. विलिकाइनिन हार्मोन जो है इट इज़ अगेन सिक्रीटेड बाय द एपिथीलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ये विलाय की मूवमेंट्स को एक्सिलरेट करता है. देन द नाइन्थ हार्मोन दैट वी विल स्टडी इज इट इज़ सोमैटोस्टैनिन SS. सोमैटोस्टैनिन जो है इट इज़ सिक्रीटेड बाय द डेल्टा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस ऑफ पेनक्रियाज. पेनक्रियाज के आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस जो हैं उनके डेल्टा सेल्स जो हैं वो सोमैटोस्टैनिन को सिक्रीट करते हैं और ये इनहिबिट करते हैं सिक्रीशन ऑफ ग्लूकेगॉन बाय अल्फा सेल्स. अल्फा सेल्स जो ग्लूकेगॉन सिक्रीट करते हैं उसको ये इनहिबिट करते हैं और बीटा सेल्स जो इंसुलिन सिक्रीट करते हैं उसको भी ये इनहिबिट करते हैं. सोमैटोस्टैनिन प्रोड्यूसेस द आर्जेंटेफिन सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स विच सप्रेसेस द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये भी सप्रेशन का काम भी करते हैं. नेक्स्ट इज पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है इट इज़ सिक्रीटेड बाय द पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस. ठीक है, तो सोमैटोस्टैनिन और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड दोनों आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस से सिक्रीट होते हैं. यहाँ पे सोमैटोस्टैनिन जो है वो डेल्टा सेल्स होते हैं सिक्रीट करते हैं और पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो किससे हो रहे हैं सिक्रीट? वो पॉलीपेप्टाइड सेल्स से सिक्रीट हो रहे हैं आइसलेट्स ऑफ लेंगरहैंस के. इनका क्या फंक्शन है? इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पेनक्रियाज. तो पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है रिलीज हो रहा है उसके रिलीज को ये इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं. यह एक डायग्राम है जिसमें कि सारा एक्शन डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स के जो एक्शंस हैं जो
एंडोक्राइनिन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उसका ये पूरा एक फिगर है विच कैन, जिससे हम इजीली समझ सकते हैं अभी तक हमने जितने मेजर हॉर्मोन्स को स्टडी किया है. दिस इज द ड्यूओडेनम, ठीक है. तो दिस इज द स्टमक, दिस इज गॉल ब्लैडर एंड दिस इज द पेनक्रियाज. सबसे पहले हम कौन सा स्टडी करते हैं, हॉर्मोन गैस्ट्रिन. कहाँ से सिक्रेट होता है, वो बाय द सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा. तो वो गैस्ट्रिन हॉर्मोन रिलीज करते हैं. फिर इससे क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रीशन स्टिम्युलेट होता है. जब फूड डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन में आता है तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट कौन करता है, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम एंटेरोगैस्ट्रॉन भी कहते हैं. तो ये एक नेगेटिव फीडबैक जो है, नेगेटिव उससे जा रहा है ताकि गैस्ट्रिक जूस जो है उसका सिक्रीशन अब इनहिबिट हो, रुक जाए. यहाँ पे जो प्लस साइन हम देख रहे हैं वो स्टिम्युलेटरी एक्शन के हैं, और नेगेटिव साइन जो देख रहे हैं, माइनस साइन जो हम देख रहे हैं, वो इनहिबिटरी एक्शन के हैं. तो गैस्ट्रिन हम देख रहे हैं ये प्लस है, इसका मतलब गैस्ट्रिन जो है वो स्टिम्युलेट करेगा सिक्रीशन को, लेकिन एंटेरोगैस्ट्रोन या गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड जो है वो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा. इसी तरह जैसे जब फूड स्टमक में इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो ड्यूओडेनम से के वॉल जो है वो कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो गॉल ब्लैडर को स्टिम्युलेट करता है कि वो बाइल जूस को का रिलीज कर दे. तो वो बाइल जूस जो है वो फिर ड्यूओडेनम में एंटर हो जाता है. इसी तरह जो ड्यूओडेनम है उसकी एपिथीलियम जो है वो हॉर्मोन सिक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन दोनों को सिक्रीट करते हैं. सिक्रेटिन एंड पेनक्रियोजाइमिन क्या करती हैं, दे स्टिम्युलेट पेनक्रियास फॉर द रिलीज ऑफ देयर पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन है ड्यूओडेनम जो है उसमें हॉर्मोन एंटेरोक्राइनिन स्टिम्युलेट होता है, जो ड्यूओडेनम के जूसेस को रिलीज के लिए स्टिम्युलेट करता है, यानी कि सुकस एंट्रिकस के रिलीज को स्टिम्युलेट करता है हॉर्मोन एंटेरोक्राइनिन. सो दीज आर दी एक्शंस ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव हॉर्मोन सिक्रीटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स. तो इसके साथ ही हमने आज पूरा कंप्लीट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने डाइजेशन स्टडी किया फूड स्टफ्स का, स्टार्टिंग फ्रॉम दी माउथ एंड एंडिंग इन दी इंटेस्टाइन. उसके बाद हमने इन डाइजेस्टेड फूड के सारा एब्जॉर्प्शन स्टडी किया कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो हैं वो पहले लोएस्ट डिनोमिनेटर तक ब्रेक होते हैं और कैसे फिर वो इंटेस्टाइनल वॉल्स के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे वो फिर ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं. और आज हमने स्टडी किया कि कैसे इन सारे डाइजेस्टिव जूसेस को हॉर्मोन्स जो हैं वो रेगुलेट करते हैं. दीज आर दी रेफरेंसेस जिनसे आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में स्टडी कर सकते हैं. थैंक यू.